लखीमपुर खीरी में हुई 9 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैहरौली जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी के मैहरौली जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बड़े बड़े होल्डिंग लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता व अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, जिसमें योगी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो लिखा हुआ है और सीधा सीधा योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं और उन मौतों का जिम्मा योगी सरकार पर थोप रहे हैं। आज पूरी दिल्ली में 14 जिलों में कांग्रेस यह प्रदर्शन कर रही है। लखीमपुर खीरी में अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यह मामला राजनीतिक हो चुका है, जहां पर विपक्ष भाजपा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिवार को 45 लाख और घायलों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति लगातार गर्मा रही है। कांग्रेस योगी सरकार को लगातार घेर रही है, मुआवजे के बावजूद भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूपी के केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी ने सबसे पहले किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा, उसके बाद वहां पर दोनों गुटों में बीच लठबाजी हुई जिसमें 9 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद योगी सरकार ने उनके लिए मुआवजा दिया, मगर उसमें मुआवजे के बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी का विरोध जारी है और यह विरोध पूरे भारत में हो रहा है। आज दिल्ली के 14 जिलों में कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यहां पर वह उन मृतकों का इंसाफ मांग रही है। हमारे आज के प्रोटेस्ट करने का रीजन है कि लखीमपुर में जो कल हादसा हुआ था, जहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और उसमें कितने किसान घायल हो गए थे, इस लखीमपुर के इस हादसे के ऊपर हम सब आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर और डीएम के ऑफिस के बाहर हम सब अपने अपने जिले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये जो हुआ वो गलत हुआ। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो सोचते हैं कि इलेक्शन आ गए हैं, हम लोगों को मुनाफा दे देंगे, तो मुनाफा देने से नहीं होगा। किसान 10 महीने से बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कोई हल नहीं निकल रहा और आप इस हादसे के ऊपर चुप्पी साध के बैठे हैं और चुनाव आने के चक्कर में आप उन्हें मुनाफा दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, वो गलत है। मुआवजा बनता है, नौकरी बनती है, पर जो चुनाव को देखते हुए आप कर रहे हैं ना, वो गलत है, वो राजनीति हो रही है। राजस्थान जिला अध्यक्ष, नीचे गिर जाएंगे, देखिए एक मिनट कराने जी, साथियों आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने देखा कि अभी तक देश का अन्नदाता 10 महीनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार कर रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार है ये कहती है कि हमने किसानों के हित में यह कानून बनाया है। मैं आपसे कहना और पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो यह सोचकर बनाती है कि उस कानून को बनाने से बनाने वालों का फायदा होगा, लेकिन जब किसानों के हित के लिए आपने ये कानून बनाया है और किसान उस कानून से संतुष्ट नहीं है, तो आप ये काले कानून क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? ये तीनों काले कानून किसान विरोधी कानून है, ये सरकार के कानून नहीं है, ये अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों काले कानून आए हैं। हम इनका विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों की निर्मम हत्या की गई है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के साथ जिस तरह पुलिस बर्ताव कर रही है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है, उन्हें किसानों के साथ खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। आज उसके विरोध में
हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी ने पूरे दिल्ली के जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया कि किसानों के साथ खड़े होइए और किसानों की आवाज़ को बुलंद करिए। आज हम ये भाजपा का जो जिला कार्यालय है, मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, किसानों का हितैषी होने के नाते आदरणीय रमेश कुमार जी हमारे पूर्व सांसद, आदरणीय सतवीर सिंह जी जो हमारे दिल्ली के मेयर रहे हैं, आदरणीय प्रवीण राणा जी जो हमारे दिल्ली के डिप्टी मेयर रहे हैं, हमारे बीच में हमारी पुष्पा जी, ओमवती जी, सुदेशवती जी, हमारी अलका जोन जी, राजेंद्री जी, प्रेम प्रधान जी, मैं कितने नाम लूँ, हमारे सभी यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सारे कार्यकारिणी के लोग हैं। हम एक ही बात यहाँ कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप सुधर जाओ, किसानों का दिल मत दुखाओ, किसानों को परेशान मत करो। ये देश का अन्नदाता है जो आपका और हमारा और देश का पेट पालता है। आप आज उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। आपके राज्य में महिलाओं की क्या हालत है, आपके राज्य में युवाओं की जो कंडीशन है, आज युवा बेरोजगार है, आज दलितों के साथ किस तरह हमारी दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग जो है, उस मांग को सरकार नहीं सुन रही, क्या कहेंगे? और जो लखीमपुर की घटना, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, केवल अडानी अंबानी की सरकार चल रही है और उनके कहने पर ये इनका तीन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है। लखीमपुर में जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साफ दिख रहा है उसमें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, जिसके कारण चार किसानों की मौत हुई है। उससे किसान आक्रोशित हैं और उसके बाद गोलियां भी चली हैं वहां पर, उन जो आदमी भर के लाए थे उनके द्वारा गोलियां भी चलाई गई हैं। इस तरह किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, उससे पहले भी इस केंद्रीय मंत्री ने 27 तारीख को ये कहा था कि आप मैं दो मिनट में इनको सीधा कर दूंगा किसानों को। तो इस तरह की स्टेटमेंट यदि वो देते हैं, यदि कोई और कोई स्टेटमेंट अपोजिशन वाले देते तो आज प्रेस वाले उसका बात का बतंगड़ बनाते, परंतु किसी ने भी इसको गौर नहीं किया। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क किसानों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, वो किसानों को गए हैं मिलने के लिए, परंतु उनको रोका जा रहा। पूरा विपक्ष, अखिलेश यादव चाहे उसमें हो, कोई भी जो भी हो उसमें, सारे विपक्ष आज मिलना चाहते हैं उन लोगों से जिनके साथ ये घटना हुई है, परंतु उनको रोका जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र में अधिकार नहीं है कि लोग जो बेचारे मरे हैं, जिनके परिवार से वो बिछड़े हैं, उनके लोगों को जाकर सांत्वना वो दे पाएँ कोई भी लोग? इस तरह की सरकार दमनकारी नीतियां अपनाकर इस तरह का काम कर रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और मंत्री महोदय को की तुरंत गिरफ्तारी हो। धन्यवाद। और किसानों के बीच में समझौते हो गए, 45 लाख रुपये जा रहे हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है, फिर ये आंदोलन क्यों? ये समझौता देखिए, आप देखिएगा, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के जाने के बाद, उनको दबाव में आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। किस तरह की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार को कांग्रेस पार्टी को जगाना आता है। प्रियंका गांधी जी के साथ जो वर्ताव इन्होंने किया, जो व्यवहार इन्होंने किया, किसी के साथ नहीं करते। साथियों, बहुत कहते थे मोदी जी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, प्रियंका गांधी जी आज किसानों से मिलने जा रही है, आप उन्हें मिलने क्यों नहीं दे रहे? क्या गुनाह कर रही है? अगर जो किसी की मौत हुई है तो विपक्ष का और हमारे नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का यह संदेश है कि हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं। किसानों की जो 10 महीनों के अंदर जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, यह गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। हम साफ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस गूंगी बहरी सरकार और तानाशाही सरकार को जगाना आता है। कार्यकर्ता भी मारे गए और जब भाजपा के नेता के बेटे की आप वीडियो देखिए, क्लियर उसने गाड़ी चढ़ाई है किसानों के ऊपर। अब उसके अंदर उनके नेता आ गए तो उसमें हमारा विपक्ष का है उसका कोई रोल नहीं है, ना किसानों की कोई गलती है। बरसाते हुए देखा गया है ये वीडियो सब जगह, जो लाठी बाद में बरसाई है, लाठी बाद में बरसाई गई है। पहले उन्होंने गाड़ी जब चला गई है, जब लोग हमारे रौंद गए हैं, किसान भाई हमारे शहीद हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आत्मरक्षा के लिए आदमी करता है और
प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को भी भगाया था और इस तानाशाही गवर्नमेंट को भी भगा के हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 14 जिलों पर हमने जिला भाजपा के कार्यालयों का घेराव किया है और आगे भी हम इस तरह करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष का रोल निभा रही है। आज किसान, देश की जनता देख रही है कि जिस तरह से गूंगी भरी सरकार है उसको जगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथियों, धन्यवाद। अपने लिए ही ये लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं। एक धृतराष्ट्र था महाभारत के टाइम में और आज के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने वो काली पट्टी अपनी आंखों पे बांधी हुई है। जब तक ये काली पट्टी वो अपनी आंखों से नहीं हटाएंगे और अपनी देश की जनता को एक ही आंख से नहीं देखेंगे, अपने किसानों को, अपने लोगों को जो उनके लिए, जो हर एक पूरे देश का जो पेट पाल रहे हैं, जो किसान जो खेती करके हम सबका जो पेट पाल रहे हैं, उनके लिए जो वो बो रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे। क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, किसान आंदोलन नहीं होना, आप क्या कहेंगे? आंदोलन होना क्यों नहीं होना चाहिए? आंदोलन आप ये बताइए, किस ये क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो इन लोगों के कहने से हो रहा है? क्या पूरी ज्यूडिशरी, क्या प्यूरी ज्यूडिशरी पीएम ऑफिस के अंडर जो आ रहे हैं वो उनके उनके डायरेक्शंस पर नहीं चल रही है? आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो गलत टिप्पणी? बिल्कुल गलत टिप्पणी करी है। आप बताइए क्यों नहीं, क्यों किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है, उसकी कारण क्या है, उसकी किस वजह से वो बैठा हुआ है? ये जो कानून लेकर आए हैं वो क्यों लेकर आए हैं? सिर्फ अपने दोस्तों को, अंबानी और अडानी को आगे उनके भंडार भरने के लिए? ऐसा क्यों है? हम सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, Why only अंबानी एंड अडानी? Why not our किसान जो हम पूरे देश का पेट भर रहे हैं, जो हमारे हमें अन्न खिला रहे हैं? यही हम सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं।